नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में है गूगल एडसेंस पेन। और आप लोग को बता दूं कि अभी से कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना करके बताया कि अगर आप अपने YouTube चैनल पे गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड से नहीं होगा। और उसी टाइम मैंने आप लोग को वीडियो बना करके बताया कि आप अपने पैन कार्ड को यूज़ करके अपने चैनल पे गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। और जब हम लोग अपने चैनल पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके मतलब दो सप्ताह से एक महीना के अंदर हम लोग के घर में इस तरीके का गूगल एडसेंस पिन आता है। और जब मैंने वेरीफाई किया तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गूगल एडसेंस पिन आ गया। और ये कौन से चैनल का है, तो मैंने एक नया चैनल बनाया था और उसमें मैंने वीडियोज डाला, तो उसमें सिर्फ 2 से 3 महीने में उसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया और मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लिया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आया है गूगल एडसेंस पिन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये जो गूगल एडसेंस पिन है ये कब आता है, कैसे आता है और इसको मतलब ये आता है तो इसका इससे फायदा क्या होता है, मतलब ये क्यों आता है हमारे घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, जब आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हैं, मोनेटाइज करने के लिए आप लोग को पता है कि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट्स चैनल बनाते हैं तो 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना है 90 दिन में, या फिर अगर आप लॉन्ग वीडियो इसे मोनेटाइज करना चाहते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपको 365 दिन में पूरा करना है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें जब आप अपने सारे वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं और आपके वीडियोस पे जब एड्स आता है और एड के बदले आप लोग को पैसा मिलता है, तो जब आपके पूरे चैनल पे अगर अर्निंग यहाँ पे $10 हो जाता है, $10 कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद YouTube बोलता है कि आपको अपने चैनल का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो करना होता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर आप वोटर आईडी कार्ड से कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं और शायद इंडियन पासपोर्ट है उससे आप कर सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो बना करके बता रहे हैं कि अगर आप पैन कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है तो वो पैन कार्ड से कैसे कर सकते हैं, इस पर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है एकदम प्रूफ के साथ। तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए और तुरंत से अपने चैनल पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दिया जाएगा। तो जब आप यहाँ पे अपने चैनल पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद वहीं पे आप लोग को मतलब एक मैसेज में एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि 2 सप्ताह से 1 महीना के अंदर आपके एड्रेस में जो भी आप एड्रेस वहाँ पे डालेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते टाइम, तो जो भी आप एड्रेस डालेंगे उसमें गूगल एडसेंस की तरफ से इस तरीके का एक पिन भेजा जाता है। अब ये पिन क्यों भेजा जाता है, तो यहाँ पे गूगल एडसेंस जो यूट्यूब है वो वेरीफाई करता है कि आपने जो एड्रेस डाला है वो रियल एड्रेस है या फिर आपने कोई भी फेक एड्रेस डाला हुआ है। तो एड्रेस यहाँ पे भेजा जाता है और इस पिन के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक 6 डिजिट का एक OTP होता है। जिस तरह अगर आप यहाँ पे चैनल को वेरीफाई करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP आता है, उसी तरीके से ये एक OTP है, लेकिन OTP यहाँ पे आप लोग को आपके मोबाइल में नहीं आता है, एड्रेस में आता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब ये मुझे मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा कि यहाँ पे हम लोग पिन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको पिन बोलते हैं, वैसे ही इसमें OTP 6 अंक का यहाँ पे OTP लिखा हुआ है, तो ये आप लोग को नहीं दिखेगा, इसको हम लोग इधर से खोलते हैं तो यहाँ पे दिखता है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इधर से इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको ये मिल जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल एडसेंस को आपको लॉगिन करना है और वहीं पे आपको यहाँ पे ये जो 6 डिजिट का कोड है इसको वहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे कोड को एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका ये जो पिन है या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कैसे करते हैं ये लाइव मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो यही आप लोग को बताना था। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अब पैन कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं अभी मतलब ये जब अपडेट सब लोग वीडियो बनाए कि आप पैन कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, उसके बाद मैंने पैन कार्ड से वेरीफाई किया और यहां पे देख सकते हैं पिन मेरे घर में भी पहुंच गया है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर इस पिन से रिलेटेड कोई भी सवाल है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना है और ऐसे यूजफुल वीडियोज देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।